hrithse kime jiyu sirf tere liye. इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं. मरियम और यूसुफ
एक दिन के बाद उनको समझ में आया कि यीशु उनके साथ नहीं। और ये हम सबके लिए एक चेतावनी, यदि ये घटना मरियम और यूसुफ के साथ हो सकती है तो हम कौन? और हमको भी लगता है कि हम यीशु के भक्त हैं, हमको लगता है कि हम यीशु से अपना संबंध बनाए रखते हैं, और इसलिए हमको लगता है कि हम यीशु से कभी दूर नहीं जाएंगे। परंतु यदि मेरे भाइयों और बहनों हम सचेत नहीं रहे तो अनजाने में ही हम यीशु को खो सकते हैं। कई बार प्रिय युवक युवतियों, आप लोग जवान हैं, आप लोगों के मन में ऐसे विचार आएंगे, बच्चों के मन में शायद ऐसे विचार आएंगे, मैं हर संडे को गिरजा जाता हूं, यदि एक संडे नहीं गया तो क्या हो रहा है, अगले हफ्ते चले जाऊंगे। शायद आपके मन में विचार आएगा, मैं रोज तो प्रार्थना करता हूं, मैं रोज रोजरी बोलता हूं, यदि मैं एक दिन रोजरी ना बोलूं, एक दिन मैंने टीवी देख लिया, एक दिन मैं किसी के पार्टी में चला गया, तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी दिन तो कर रहा हूं ना। मेरे भाई और बहनों, हमारी ऐसी ही छोटी छोटी लापरवाही पहला कदम है जब हम, जिसके द्वारा हम यीशु को अपने जीवन से खोते हैं। उन सब लोगों से पूछकर देख लीजिए जो आज यीशु से दूर है। यदि आप उनसे पूछेंगे कि आपने यीशु को कैसे अपने जीवन में खो दिया, आपको समझ में आएगा, पता लगेगा कि ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में जब वो लापरवाह बने, एक दिन अनजाने में ही सही, परंतु उन्होंने यीशु को खो दिया। और इसलिए परिवार हो, चाहे चर्च हो, कलीसिया हो, समुदाय हो, ये जितने भी प्रार्थनाएं, ये जितने भी बैठक, चाहे फिर एससीसी की बैठक हो, कलस्मय बैठक हो, मिस्सा कल्याण हो, घर की प्रार्थना हो, ये सब हमारे लिए सिर्फ इसलिए है कि हम लगातार यीशु से जुड़े रहे। वचन स्वयं कहता है कि यदि घर के मालिक को पता होता कि चोर किस घड़ी किस समय आएगा तो वह अपने घर में सेंध भी नहीं लगने देता। हमारे साथ यही तकलीफ है कि हमको पता नहीं है, परंतु यदि हम उदासीन हो गए तो हम यीशु को हमेशा के लिए खो सकते हैं। आज के इस यीशु को खोने के संदर्भ में दूसरी बात, और ये बात क्या है, यीशु को खोने में मरियम और यूसुफ को ज्यादा समय नहीं लगा। यीशु तो पहले ही मोमेंट से खो गए थे, परंतु मरियम और यूसुफ को भी ये बात जानने में कि यीशु उनके साथ नहीं है सिर्फ एक दिन लगा, परंतु यीशु को दोबारा पाने में कितना दिन लगा, कितने दिन बाद उन्होंने यीशु को पाया, कितने दिन बाद? वेरी गुड, 3 दिन के बाद। खोने के लिए एक मोमेंट, ये जानने के लिए कि मैंने यीशु को खो दिया मात्र एक दिन, परंतु उसको दोबारा ढूंढ कर उसको पाने के लिए उसका 3 गुना समय। और ये जो प्रिय भाई और बहनों, आपको सचेत करना चाहिए, इट इज वेरी इजी टू लूज क्राइस्ट, बहुत आसान है ईश्वर को खो देना, परंतु उस ईश्वर को खो देने के बाद दोबारा उस यीशु की प्राप्ति करना ये इतना आसान नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। स्वयं संत अगस्तीन अपने किताब कन्फेशन में कहते हैं कि जब वो पापी थे, हर दिन वो सोचते थे कि आज मैं अपना जीवन परिवर्तित कर दूंगा, आज मैं पवित्र बन जाऊंगा, आज मैं अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन जब दिन समाप्त होता था वो वैसे के वैसे ही पापी रह जाते थे। एक मनुष्य जो ईश्वर से बिछड़ गया है, जो ईश्वर से दूर चला गया है, उसको ईश्वर के पास आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। हम इसे कई परिवार जो यीशु से दूर हो गए हैं,
बार यीशु को खो दिया तो उसको दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। और प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद भी यदि हम यीशु को खो ही दें तो क्या? आज के सुसमाचार के संदर्भ में तीसरी बात कि अंत तक मरियम और यूसुफ को यीशु कहां मिले? मरियम और यूसुफ को यीशु कहां मिले? मंदिर में। उन्होंने अपनी कुटुंबियों के बीच में ढूंढा, उन्होंने शायद साथी बच्चों के बीच में ढूंढा, उन्होंने यहां वहां दूसरे कारणों में ढूंढा, परंतु तीन दिन के इस सर्च के बाद अंततः यीशु जहां मिले वह था ईश्वर का मंदिर। और स्वयं यीशु कहते हैं, क्या आपको पता नहीं था कि मुझे मेरे पिता के नाम के लिए पिता के घर नहीं छोड़ा? प्रिय भाई और बहनों, हम भी जीवन में यीशु को कई बार खो देते हैं। और यदि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो हम जहां कहीं पर भी भटके, हो सकता है कई लोग पैसे के पीछे भटकने लगे, हो सकता है कई लोग मान सम्मान के पीछे भटकने लगे, हो सकता है कई लोग जादू टोने के पीछे भटकने लगे, हो सकता है कई लोग कोई बाजार कोई दूसरे धर्म के कोई भी जगह पर जाने लगे, परंतु हमारी आत्मा व्याकुल की व्याकुल ही रहेगी। हम हो सकता है अपने आवेश में अपने जोश में हम हो सकता है हमारे चर्च से लड़के चले जाए, परंतु यदि हम अपने चर्च से जुदा हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आत्मा भड़कते ही रहे। और यदि हमको दोबारा यीशु को पाना है तो हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है, हमारा एकमात्र विकल्प है ये वेदी ये चर्च। स्वयं संत अगस्टिन कहते हैं, आर हार्ट्स आर सोल्स आर रेस्टलेस अंटिल दे रेस्ट इन थी। जब तक मैं आप पर ही विश्राम ना करूं प्रभु, मेरी आत्मा व्याकुल की व्याकुल रहेगी। और इसलिए ईश्वर के मंदिर उसके चर्च ईश्वर से कभी मुटाव मन मुटाव ना करें। और यदि हमसे गलती हो गई है और यदि हम कलीसिया से बिछड़ गए हैं, यदि हमारे भाई बहन कलीसिया से बिछड़ गए हैं, तो ये आप जो इस गिरजा घर में बैठे हैं ये आपका और मेरा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को हमको दोबारा इस गिरजा घर के भीतर जाना है। क्योंकि यदि उस व्यक्ति की मुक्ति होना है तो उसको ईश्वर को अपनाना है। ये भाई और बहनों, जब मरियम और यूसुफ उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने बालक यीशु को दोबारा पा लिया। हम भी अपने जीवन में जब कभी भी ऐसा हमें महसूस हो कि मेरी आत्मा ने मेरे यीशु को खो दिया, मेरे पाप के कारण मैंने यीशु को खो दिया, हम निराश ना हो, हम यहां वहां बैठे रहे, हम गलत राह में ना जाए, परंतु हम उस उड़ाव पुत्र के समान वापस अपने पिता के घर अपने यीशु के मंदिर में आए, क्योंकि कलीसिया उसके चर्च में ही मुक्ति है हम सब के लिए। आइए मेरे भाई और बहनों, जब हम मंदिर यीशु के खोने के इस विषय पर मन चिंतन किए हैं, हम ईश्वर के सामने हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मुझे अपना बनाया है, तूने मुझे इस ख्रिस्ती जीवन को जीने के लिए दिया है। ये प्रभु मैं पापी हूं, ये प्रभु मुझमें बहुत से कमजोरी है, बहुत से पाप है, कई बार दुनियाई चीजों के पीछे मैं भटक जाता हूं प्रभु, और उस समय मैं तुझे